मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र जैवन प्रतिशासन प्राय ही एक औदयिक भाव ऐसा होता है सभी जीवों को होता है, सभी को ही समझ लो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो, भेद विज्ञान ना हो, तब तक हर जीव को ऐसा लगता है कि हम दूध के धुले हैं। ये दृष्टिकोण आत्म कल्याण में बहुत बाधक है। हम बहुत जानते हैं हमारा जीवन सही है, ये सोच हमें मोक्षु नहीं होने देता, पात्र नहीं बनने देता। मान के चलो टोडरमल जी साहब की भाषा में ही सुने हम, तो बातें सुनता है तो ऐसे सुनता है मानो कि नहीं और की ही बातें चल रही हैं, पढ़ता है तो यूं पढ़ता है मानो औरों की ही बातें पढ़ रहा हो। इस दृष्टिकोण समझ लेना, कल तक की जितनी चर्चा हुई है हमें ऐसा लगता है ये दोष हमें नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, हमारे जीवन में संयम नहीं आया है, तब तक 19-20 हो सकता है। कल ऐसी बात भी हमें सुनने को मिली कि अब ऐसी स्थिति नहीं रही जैसी आप कह रहे हो। उस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि पुण्य के उदय हो सकते हैं, बहू का पुण्य का उदय हो तो आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो, सासू का पुण्य का उदय अच्छा हो तो बहू भी अच्छा व्यवहार कर सकती है, अथवा कोई मजबूरियां हों, इंटेलिजेंट हों, दोनों में से कोई बहुत तेज हो तो एक दब जाए किन्हीं कारणों से तो कदाचित अच्छा व्यवहार भी देखा जा सकता है। इसके बावजूद कल की चर्चा 100% फिट इसलिए हो जाती है, क्या हमारी मनोवृत्ति सुधर गई है? यदि हमारी मनोवृत्ति नहीं सुधरी है तो जैसे ही मौका मिलेगा हम पक्षपात किए बिना नहीं रहते। भाई इतना हमें बताना है, ज़्यादा नहीं कहना है। एक जनरल टेंडेंसी कहिए, इसे सामान्य विचारधारा कहिए, एक मनोवृत्ति कहिए। पता नहीं क्यों हमें अपना पुत्र इतना अधिक प्रिय होता है जितना अपने भाई का पुत्र प्रिय नहीं होता। एक टेंडेंसी है, मतलब बिल्कुल। अब इस मनोवृत्ति पर मेरा कल का प्रवचन था और इससे आगे आज अपन चलेंगे। बहुत संक्षिप्त दृष्टांत इतने ही देती हैं याद दिलाने मात्र के लिए, और इस प्रकरण में प्राकरणिक होने से कि मेरा पुत्र आवे और मेरे भाई का पुत्र आवे अथवा मेरे और रिश्तेदारों का पुत्र आवे और मैं यदि उन्हें दूध दूं तो मलाई मेरे पुत्र की तरफ जाने की कोशिश करती है। मेरे हाथ में बड़ा आम और छोटा आम हो तो मेरा मन ये कहता है कि बड़ा आम मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। ये बहुत छोटी घटना नहीं समझना। कल एक प्रश्न खड़ा करके छोड़ा था कि आखिरकार एक घर में दो हृदय के बीच में दूरियां क्यों शुरू होती हैं? कोई यही घटनाएं हैं छोटी छोटी। जब हम घी परसते हैं तो अपने वाले के पास ज़्यादा जाने की चेष्टा होती है, दूसरे हैं उनके पास कम जाने की चेष्टा होती है। ये जो पक्षपात, ये जो भेदभाव की मनोवृत्ति है, ये हमारे परिवार को तोड़ती है। और परिवार टूट जाए इतनी समस्या नहीं है, लेकिन पूरे जीवन के लिए अंतर में एक संकलेश जन्म ले जावे, पूरे जीवन के लिए बैर रह जावे। कल्पना तो करो, पारसनाथ भगवान का बैर 10 भव बाद मिटा, क्या होता होगा? जब तक हमारे हाथ में बल है, हमारे हाथ में पावर होती है, हमारी चलती है, तब हम क्या करते हैं? हमारी मनोवृत्ति यहां टटोलो आप। हम इतना अच्छा प्रवचन सुनते हैं कि हम भगवान आत्मा हैं, हम भावी सिद्ध हैं, हम सब सिद्धालय में विराजेंगे। इसके बावजूद जब दो मोक्षु एक साथ भोजन करते हैं या दूध पीते हैं या कोई खाने पीने की चीज का बंटवारा होता है तो मेरी निगाह ये टटोलती है कि अच्छे अच्छे चीकू मैं खाऊं और हल्के तो ये खा लेंगे। ऐसा क्यों होता है? मैंने सोचना सभी लोग समझे बात, ऐसा क्यों होता है कि ये मलाई मेरे अपनी तरफ आती है? यदि मैं सबसे पहले आपकी गिलास में दूध डालूं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत डाल दिया, बहुत डाल दिया। और यदि मैं पहले नंबर अपने गिलास में डालूं तो मुझे ऐसा लगता है अभी तो इतना ही से बहुत तो बच गया, बहुत बच गया, अभी तो बहुत बच गया। इस टटोलना अपनी मनोवृत्ति टटोलना आप। ये मनोवृत्तियां हम खुद पढ़ सकते हैं, ये अपने अंतर में चलने वाली गंदी परिणति को अपन पढ़ सकते हैं। हमें केवल इतना कहना है यदि ऐसी परिणति है
तो हम भगवान होने के काबिल कहाँ रह जाते हैं, हम समाधि के काबिल कहाँ रह जाते हैं, बस ये सोचना थोड़ा सा। पूजा पाठ हमें समाधि नहीं देंगे, ऐसा कहने से कोई हम पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु पूजा पाठ एक शारीरिक परिणति का नाम है। आप देखा देखी, संस्कार बस, लज्जा बस, भय बस, या कोई अपना संकल्प हो तो निदान बस कर सकते हो, मनोती कर लेती है मनोती, तो मनोती बस कर सकते हो, लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन जैन शासन कहता है मनोवृत्ति के सुधार हुए बिना किंचित कल्याण नहीं होता है। तो हमारी जो चर्चा का सार है वो इतना ही है, हम मनोवृत्ति सुधारें अपनी बस। परिणति में मैं नहीं कहता हूँ कि हम कठोर ना बोलें, जरूरत पड़े तो कठोर बोलें, जरूरत पड़े तो दंड भी दें, जरूरत पड़े तो जो व्यवहार करना है सब करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मनोवृत्ति में बहुत ही समानता का व्यवहार लिए होना चाहिए। एक बहुत अच्छी नीति आपने पढ़ी होगी सड़कों पर, प्राय अन्य मतावलंबियों ने लिखी है कि हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हम अपने साथ चाहते हैं। ये अच्छी सूक्ति है और ये आप विचार करना जीवन में। आगे हमें इतना कहना है कि हमारे जीवन में 5 पापों का अभाव होना चाहिए। सीधी सीधी भाषा में कहें, यदि हम ग्रस्त हैं तो हमें अणुव्रति जैसा जीवन होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में अणुव्रत जैसी पवित्रता नहीं है, हृदय में पवित्रता नहीं है, हमारे ज्ञान में निर्मलता नहीं है और हमारी परिणति में इतनी मृदुता नहीं है, तो आप सच मानना समाधि मरण संभव नहीं। कल शुरुआत में ये बात कही थी, हम अनंत बार मुनि हुए हैं और आचार्यों ने हमें समाधि कराने की चेष्टाएं की हैं, लेकिन हम इस लायक नहीं थे। जैन शासन का जब आप अध्ययन करेंगे तो एक बहुत अच्छी बात ये पढ़ेंगे कि उपादान को निमित्त मिले बिना नहीं रहती, उपादान को निमित्त ढूंढने नहीं पड़ते। यदि उपादान जोरदार है तो निमित्त आकाश से उतरते हैं। इसमें दृष्टांत हमारे पास सिंह आदि का है। आदिनाथ भगवान का जीव जब भोग भूमि में थे तो भोगों में जीवन जा रहा था, लेकिन पात्रता थी तो विदेह क्षेत्र से वहां पर मुनिराज चारण निधिधारी पधारे। बोलो, कहने का मतलब यह है यदि हमारे पास पात्रता है तो हमें निमित्तों की तरफ वजन देने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी पात्रता बनाने के लिए चर्चा चल रही है हमारे जीवन में 5 पाप रहित जीवन हो। जब हम ये बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि साहब ये तो फिर वही कठिन, बहुत कठिन कर दिया है वो तो समाधि तो मुश्किल है। लेकिन आप खुद बताओ, समाधि कैसे संभव हो सकती है जब हमारे मन में 5 पाप रखे हों? आखिर पवित्रता के नाम तो समाधि है, पवित्र उपयोग जो आत्मस्वरूप में समा जाए, तो आत्मस्वरूप में समाने के लिए उस उपयोग को कितना निर्मल चाहिए, कितनी विशुद्धि चाहिए। देखो, एक अपराधी निरपराधी व्यक्ति से आंखें मिलाने में असमर्थ है, ऐसे ही निर्दोष आत्म तत्व और सदोष परिणति, सदोष दृष्टि वो आत्मा की दृष्टि कैसे करेगी? अपराधी निरपराध का लक्ष्य कैसे करे? आप देख लेना, जितनी एकाग्रता से आप टेलीविजन देखते होंगे उतनी एकाग्रता आपकी जिनेन्द्र देव की प्रतिमा निहारने में नहीं हो पाती होगी। क्यों नहीं हो पाती होगी सोच सकते हैं? अपन जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का दर्शन करती है, क्यों नहीं टिकती है? जबकि देखा जाए तो 3 लोक में यदि पौद्गलिक रचना में कोई रचना है सर्वोत्कृष्ट सुंदर, वो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा। इससे सुंदर, इससे मनोज्ञ 3 लोक 3 काल में जो जिससे देखकर राग उत्पन्न ना हो, भीतराता उत्पन्न हो, ऐसी कोई अन्य कोई बिंब नहीं है दुनिया में कोई। इसके बावजूद हमारी दृष्टि उनसे नहीं मिलती, इसका मतलब हम कहीं अपराधी हैं। ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, कुल मिलाकर यह है हम इस बात का विश्वास करें। कल एक बात चली थी ना, अधिकार किसे कहते हैं, जो मिलें मांगे नहीं जाएं। मैं जानता हूं ये बात आपको बहुत तकलीफ देती होगी, ये चर्चा जो हम बताते हैं आपको, क्योंकि आज वर्तमान में अधिकार की ये परिभाषा चल रही है कि अधिकार मिलते नहीं हैं, छीने जाते हैं सारे तरफ। चाहे आप राजनीति में चले जाओ, चाहे आप ऑफिस में चले जाओ, यहाँ तक कि आप अपने परिवारों में चले जाओ, तो बालक अपने अधिकार छीनने की चेष्टा कर रहा है। 2 भाई आपस में अपने अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जा रहे हैं अधिकार के लिए, उन्हें छीनने की। अब आप ही बताओ, ऐसे ऐसे घरों में और ऐसे जो परिवार के मेंबर होते होंगे उन्हें शांति किस प्रकार हो सकती है? मैंने एक बहुत कॉमन बात है, मैं इसलिए बात थोड़े अपने भाषा में कह रहे हैं, आपकी भाषा में,
यदि मैं सीधे सीधे चरणानियोग सुनाता तो आप ये कहते कि बात तो सच्ची है पंडित जी, बात तो सच्ची है, लेकिन कठिन है। अभी हमारा जीवन थोड़ी इतना ऊंचा है, लेकिन कब होगा हमारा जीवन ऊंचा? समाधि कब होगी हमारी? और कैसे हो जाएगी, अचानक कैसे हो जाएगी? धन सुविधाएं दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। धन सुविधाएं दे सकता है, बहुत ही बात की चीजें दे सकता है आपको, लेकिन ज्ञानी पुरुषों का समागम कैसे देगा आपको? वो ज्ञानियों के अनमोल वचन कैसे मिलेंगे? आज भी बहुत दिमाग में आ रहा था कि दिनों दिन अब धर्म प्रचार भी युद्ध का रूप लेता जा रहा है। धर्म प्रचार भी इंटरनेट पर आ रहा है, तो सबको ऐसा लग रहा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा चीज इंटरनेट पर आ जाए। कंप्यूटर में सास आने वाली है, पिछले अगले 10 वर्षों में कंप्यूटर मानी सास छपने ही बंद हो जाएंगे, समझ लीजिए। मानी एक मजबूरी हो जाएगी कि आपको घर में अपना इंटरनेट खरीदना पड़ेगा और उस पर सारे शास्त्र अवेलेबल होंगे, जो पढ़ने हो आपको, तो सारे शास्त्र कंप्यूटर में आ जाएंगे, सारे प्रवचन, सारी कैसेट, सारी सब इसी में आएंगे। मैंने अब क्या गजब हो गया, मैं इसमें क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो हर एक को ये लग रहा है कि अब जितना ज्यादा अपन पब्लिश कर लेंगे, जितना ज्यादा अपन फैला दें, उतने जबकि सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग जंगल में रहने वाली उस अंतरोन्मुखी परिणति का नाम है जिसमें पर के लक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती। माने हम दिनों दिन कितने व्यस्त हो जाएंगे और सम्यक दर्शन की तलाश मात्र टीवी पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, सीडी पर, अथवा जी इन पर तलाशेंगे सम्यक दर्शन। जबकि इसीलिए आपको प्रवचन सुबह के भारी पड़ते होंगे कि हम ये कहते हैं कि पंच परमेश्वर का भी लक्ष्य नहीं चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, शास्त्रों का भी अवलंबन नहीं चाहिए। अरे रे, उस सिंह के पास कौन सी सुविधाएं थी, उस मेंढक के पास कौन सी सुविधाएं थी, उस हाथी के पास क्या था? शास्त्र तक तो नहीं थी, उसे पढ़ने की भाषा तक तो नहीं आती थी। वे दिगंबर मुनिराज जिनका छोटा ज्ञान कम था, बनखंडादि में चारों तरफ अंधकार है, सन्नाटा है, कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई निमित्त नहीं, और एकाकी विचरते विचरते केवल ज्ञान लेकर मोक्ष में चले गए। अभी मैं अपनी बात कहकर ये कहना है कि दिनों दिन असली मार्ग तो दुर्लभ होता चला जा रहा है। लोगों को यही कल्पना शेष रह जाएगी कि इन साधनों में सम्यक दर्शन है, जबकि जैन शासन कहता है स्वावलंबन में सम्यक दर्शन है। यदि तुम्हारे चित्त में पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध या शास्त्र का भी यदि अवलंबन हो, अरे शास्त्र तो फिर भी बहुत दूर है। यदि तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले मन मन भाव मन, तुम्हारे क्षोभ ज्ञान में आत्मा नाम का विकल्प भी होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। मन भी जहां विश्राम पा लेता हो, जहां गुण भेद और पर्याय भेद भी ना रहते हो, वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होते हो। मन इतनी अंतर की बात है, इतनी अंतर की बताओ। मुझे तो अभी ऐसा लगता है भविष्य में आने वाले लोग कितने दूर जा रहे हैं अपने पास से, अपने से कितने। मैंने आज ऐसा विचारा है, दिनों दिन क्या स्थिति होगी प्रभु? कौन कल्पना करेगा कि पृथ्वी तल पर लेट करके, बैठ करके, सादा भोजन करके हमारा जीवन निर्मल होता है? मैं आपको बहुत अंतर से एक बात कहता हूं, ये हमारे आदर्श ना तो 1000 वर्ष पहले बदले थे, ना 1,00,000 वर्ष पहले बदले थे। ये जिन में अनादि निधन है, ये पंच परमेष्टि अनादि निधन, ये सास अनादि निधन, ये सुविधाएं बदल रही होंगी आपकी। सुनो, यदि तुम्हें आत्मकल्याण करना हो तो समाज में होड़ मत करो। दुनिया कैसे जीती है, कैसे पैसा कमाती है, वे 90% भ्रष्टाचार करते हैं, मैं 10% करता हूं, मैं कोई 50% कर पाता है तो मैं 80% करने में समर्थ हूं, इसमें अपने को दौड़ में शामिल नहीं होना। ये मैं 5 पाप के संदर्भ में कह रहा हूं। जब हमें लगता है कि हमारा महल में भी बढ़िया शानदार टाइल्स होने चाहिए, हमारे घर में भी 50,000 का लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, हमारे घर में भी रंगीन टीवी होना चाहिए, हमारे बच्चों के भी शरीर पर ऐसे वस्त्र, ऐसे श्रृंगार, ऐसे खान पान, और हमारे फ्रिज में ऐसी सामग्री होनी चाहिए, यदि हमारे लक्ष्य में यह मनोवृत्ति है, तो मैं आपको हृदय से ये बात कहता हूं कि तुम्हें समाधि तो नहीं परंतु सम्यक दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति वैराग्य प्रधान है, भौतिक भोगों की प्रधानता नहीं है हमारी जैन संस्कृति में। यदि आपको धर्म की गंध चाहिए, यदि आपको धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी भावना हो, यदि आपको रत्नत्रय चाहिए, तो हमारा मार्ग जंगलों में सोने जैसा है। जंगलों में लेटने का है,
सन्नाटे में रहने का है जहां विद्युत का प्रकाश नहीं है, अमावस की अंधेरी है लेकिन अंदर में चेतन का अद्भुत प्रकाश है। ये आपको चुनना पड़ेगा, एक तरफ विद्युत प्रकाश है तो एक तरफ चेतन का प्रकाश है, एक तरफ अज्ञान का अंधकार है भौतिकवाद में पर एक तरफ केवल ज्ञान का प्रकाश है। ये बहुत आज ऐसा अंदर से लगता है, क्या कहें मैंने, हमको ये बात देखकर खुशी हो सकती है कि हजारों लोग सुनने लगे हैं, लाखों लोग पढ़ने लगे हैं, करोड़ों के ग्रंथ छपने लगे हैं, और अब तो साहब इंटरनेट पर भी आ गया तो जैन धर्म की बहुत प्रचार प्रसार हो गया। तुम समझ रहे हो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन आज जैसे सुबह प्रवचन हुआ अमूर्तिकात्व, तुम्हें नहीं मालूम भौतिक पदार्थों के माध्यम से जैन धर्म का प्रसार और प्रचार होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन अमूर्तिक आत्मा को देखने वाले यदि पैदा होते चले जाएंगे तो जैन धर्म टिकेगा, टिकेगा। ये असली धर्म है। हालांकि आने वाले समय में लोग इस संयम की परिणति को आज भी कहते हैं, हालांकि आज भी कोई पढ़े लिखे लोग हम लोग जैसे लोगों को देखकर या त्यागी व्रतियों को देखकर या मुनिराजों को देखकर भले ही ऊपर से पक्ष से जय जयकार लगा दे, लेकिन अंदर ही अंदर तो एक तरह की गिलानी सी है, एक तरह से अरुचि सी है। मजबूरी में सामाजिक संगठन में जय जयकार लगा देना और बात है, लेकिन अंतर में ये नहीं लगता कि ये अनुकरणीय है, ये नहीं लगता ये आदर्श है, ऐसा नहीं लगता कि ये दिशा हमारी कब होगी। उन्हें टटोल के देखो अपने अपने को, हमें कोई समाज का व्यक्ति कलेक्टर बन जाए तो हर्ष होता है, अरे साहब देखो अशोक नगर का गौरव बढ़ गया, समाज का गौरव बढ़ गया, देखो जैन समाज का लड़का मुख्यमंत्री बन गया, गौरव बढ़ गया। तो यहाँ तो हमको एक अनुकरणीय लगता है, आदर्श लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन कभी ये बात मालूम पड़े कि आप तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी आलू छोड़ने लगे तो समाज में लोगों को इतने से बच्चे आलू छोड़ने लगे क्या होगा, इनका जीवन कैसे निकलेगा, कैसे महफिल में जाएंगे, कैसे पिकनिक में जाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे, अरे बच्चों का तो जीवन सोच देख लेना मनोवृत्ति घर घर में। यदि आपका बच्चा कहे कि पिताजी, 10 साल का बालक कहे पिताजी अब मैं एक दिन का पापड़ खाऊंगा, 2 दिन के नहीं खाऊंगा, पिताजी इन्हें बहुत जी पड़ते हैं मैं नहीं खाऊंगा, आपको एकदम टेंशन हो जाता है। जबकि आपका बच्चा पुड़िया खाता है तो क्या करें पंडित जी, माना तो नहीं मोड़ा मोड़ी, मैंने इतने हल्के से गंभीरता से नहीं हल्के से, और फिर वो यदि उस पापाचार में और आगे बढ़ता जाए, 20-25 साल का नौजवान यदि वो गंदी पिक्चरें ला ला के देखता हो VCR पे, माता पिता को मालूम भी पड़ जाए पंडित जी अब तो ये ट्रेंड ही है, यही संस्कृति है पंडित जी, यही आधुनिकता है, अब बच्चे हैं 4 दिन की जिंदगी है, अरे तुम्हें नहीं मालूम क्या कहें, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं, विज्ञान विकास है कि वरदान है क्या है, हैं अभिशाप, ये खुद पढ़ते हैं। आप खुद ईमानदारी से देख लेना, यदि हमने उस तरफ की लाइन पकड़ी है तो आत्मघाती कदम है, आत्मघाती कदम है। यदि हम कॉलेज में बैठे होते तो इस पर बहुत व्याख्या कर रहे होते, यहां नहीं करेंगे हम इस बात की व्याख्या, वो आत्मघाती कदम है। हमारे बच्चों की संस्कृति इधर से मुड़नी चाहिए, संयम की ओर मुड़ना चाहिए, रहन सहन की ओर, सोच की ओर, आदर की ओर, पंच परमेष्टि अनुकरणीय लगे, आदर्श लगे, अंतर में स्वाध्याय करने लायक लगे, जिज्ञासा लगे, क्या है हमारी संस्कृति, तो हम समझते हैं कि हम वाकई में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जहां असली प्रचार प्रसार है वहां तो निल है, और अब लोग प्रसन्न इसलिए होंगे, ए मालूम है इंटरनेट पर आ गया समय सार जी, बात तो ठीक है भैया, लेकिन इंटरनेट पर ये बताओ कि वो इतने सारे चैनल और जितने सामान आएंगे उसमें तुम्हारा ये समय सार कहां दबा रह जाएगा, ये मालूम है तुम्हें, बोलो। 1 मिनट पहले उसी टेलीविजन पर हम समय सार जी पढ़ रहे थे, 1 मिनट बाद ही वहां पर दूसरी पिक्चर आने लगी और कार्यक्रम आने और आने लगा, तो हम क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे। मेरी यदि मेरी दृष्टांत की भाषा में आप सुनोगे तो मैं तो ये कहता हूं कि समय सार बनखंडादिकों का ग्रंथ है, सचमुच समय सारे ही नहीं सारे ही ग्रंथ। ओहो बनखंडादि में विराजने वाले संतों ने, विचरने वाले संतों ने आत्मा का विशुद्ध घोलन कर करके इनमें लिखा है, हमें भी उतनी ही विशुद्ध परिणति से पढ़ें तो समझ में आएंगे। हम सोचें कि भौतिकवाद की चकाचौंध में से समझ में आ जाएंगे, तो मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूं कि जैसे कोई साफ स्वच्छ मूंगफली रखी हो वो तो नहीं खा रहे, और गटर में गिरी पड़ी हो फिर उसे निकाल के धोके खाए, ऐसी बात है। माने आज हम बहुत ही बात की चकाचौंध में जा रहे हैं, अच्छी दशा अच्छे लक्षण नहीं है हमारे। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरा ये कहना
अरण्य रोदन जैसी बात है, कोई सुनेगा कि मानेगा कि अनुकरण करेगा, ये मैं जानता हूं। इसका अनंत चांस है, अनंत भाग चांस है, समझ लीजिए। फिर भी हृदय की बात थी वो कही है, आप विचार न करना। यदि थोड़ी भी मनोवृत्ति आपकी बदलती मेरे इतने कहने से, तो मैं सोचता हूं कि जैन दर्शन और दिगंबर मुनिराजों के पक्ष में मैंने थोड़ा सा विचार रखने की चेष्टा की है, वो ठीक की है। मैंने आप कम से मनोवृत्ति बनाने की चेष्टा करना इसमें। ओहो, बनखंडादी का माल ये कहां जा रहा है, ये विचार करना। इसलिए ये बात कहने में आती है, पांच पाप रहे जीवन हो, हमारी होड़ टीवी में नहीं विशुद्ध परिणामों में हो, हमारी दौड़ होड़ कार में, मारुति में, खान पान में, फ्रीज कूलर में, बेईमानी की कमाई करने में कितना चपल हूं, कितना चतुर हूं, इसमें ना हो। इसमें हो कि देखो बड़े से बड़े अन्याय के वक्त में भी मैं संयम रखता रहा, देखो बड़े बड़े पाप के उदय में भी मैं शांत रहा, देखो तुम डरो मत, जिन सीता की हम प्रशंसा करते हैं उनकी लाइन में तुम आ गए, तुम उन पांडवों की पंक्ति में आ गए, तुम कौरवों की पंक्ति में नहीं जा रहे हो, तुम इन भगवंतों की लाइन में आयो, जिनकी हम ग्रंथों में पुराणों में प्रशंसा करते हैं उनकी पंक्ति में खड़े हो गए तुम। रूखी रोटी खाना बर्दाश्त करें हम, लेकिन अपना साहस, अपना ईमान, अपनी नैतिकता, अपनी धार्मिकता, अपनी संस्कृति को झुकने नहीं दे। देखो हृदय कहां से कहां जाता है, सीमा पर जो गोलियां खा रहे हैं उनकी छाया में हम कितना भ्रष्टाचार पाल रहे हैं, हमारे देश के चाहे नेता हो, ऑफिसर हो, चौकीदार हो, पुलिस हो, जो भी हो, नंबर दो की दवाइयां हैं, मेडिसिन है, तमाम मिलावटी है, ये लोग इतने अपराध कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी रक्षा कौन कर रहा है, जो ईमानदारी से गोली खा के मर रहे हैं। ये तो दृष्टांत दिया मैंने, दृष्टांत है वो, कितने खतरनाक है, मतलब ये बात सुनने में कितनी बुरी लगती है, ऊपर से नीचे तक कितनी गलत दशाएं हैं, भ्रष्टाचार से न्याय ना मिल सके, सच्चा आदमी बेचारा 10-10, 20-20 साल तक मुकदमेबाजी में परेशान होकर मरता रहे, गवाही देने वाले गवाही मर जावे और उसका मुकदमा ज्यों का त्यों नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, न्याय ना मिल पाए, लाखों रुपए खर्च हो जाए, परेशान, मेंटली डिस्टर्ब 20-20 बरस तक, ये दशा उन ईमानदार सैनिकों के बलबूते पर जो बेचारे गोली खा के मर रहे हैं 20-22-25 साल की उम्र, ये दृष्टांत। अब इधर आओ, मैं पूछता हूं, निकलंग ने अपनी गर्दन क्यों कटवाई थी, क्यों कटवाई थी, वे 700 मिजाज जिन्होंने उफ नहीं की थी और वहां पर हस्तिनापुर में ध्यानस्थ बैठे रहे, वे मुनिराज जो घानी में पेल दिए गए, ये उन्होंने किसके खातिर समझ लो ये उपसर्ग जीते होंगे, ये हमारी धर्म की संस्कृति एक केसरिया पताका झुकने नहीं पावे, ये पवित्र जैन शासन अंतरंग और बहिरंग दोनों, अंतरंग में भी निर्मलता और बहिरंग में भी निर्मलता टिकी रहे, इसीलिए ना हजारों लाखों दिगंबर मुनिराजों की परंपरा आई हमारे पास, उन्होंने इसकी सुरक्षा की और हम उसका दुरुपयोग करें, हमारे जीवन में असंयम हो, पापाचरण हो, दुराचरण हो, हम केवल इसलिए प्रसन्न हैं कि हम सब बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं, हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हम बहुत अच्छी शुभाचरण कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब शुभाचरण और शुभोपयोग में अंतर है, शुभाचरण और शुभोपयोग में अंतर है, शुभाचरण शरीर आश्रित है, इससे पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है, क्या कह रहे हैं, शुभाचरण से पुण्य पाप का किंचित संबंध नहीं है, शुभोपयोग से पुण्य होता है, अशुभ उपयोग से पाप होता है और शुद्ध उपयोग से मोक्ष होता है, बोलो समझ आ रहा कुछ, बहुत सरल बात है, आप ही देखो, मैं ऊपर से तो आपसे मीठा मीठा बोलूं, अच्छा हाथ पैर जोड़ू, अच्छी सेवा करूं, और अंदर में भाव मेरे ऐसे हैं कि कब इन्हें लूटूं, तो आप बताओ आपको पसंद लगे, आपको मैं अच्छा लगूंगा, नहीं, अंदर में तो भाव ये है कि ये बिल्कुल नहीं आए हमारे घर में मेहमान, और ऊपर से इनके पधारो, अरे साहब भोजन करके जाना आप, और हम अंदर में अच्छी तरह से जानते कि हम नहीं चाहते, और उसे मालूम पड़ जाए तो कैसा रहेगा बताओ, इसका मतलब है कि बाहरी बोली से, आचरण से, खर्च करने से पुण्य पाप का संबंध नहीं है, लोग व्यवहार से दृष्टांत दिए, आखिरकार तो अंतर के परिणाम यदि पता लग जाए तो पसंद आते, जब लौकिक में भी अंतर के परिणामों की कीमत हो तो मुक्ति के मार्ग में, मंदिर में, जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार में किसकी कीमत होनी चाहिए बताओ,
हम ऊपर से तो सदा ये कहें कि धर्म अच्छा है, पांच पाप नहीं करने चाहिए, इनका फल बहुत बुरा है, चार कसाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी मनोवृत्ति, बात तो मनोवृत्ति की चल रही है, वचन की नहीं चल रही। एक घंटे तक हम कितना ही कहें अच्छी बातें, लेकिन मनोवृत्ति नहीं बदली तो धर्म कैसे होगा। हम पूजा पाठ देहासित कर लें, आंख के आश्रित शास्त्र पढ़ लें, कान के आश्रित प्रवचन सुन लें और शरीर के आश्रित आचरण कर लें, लेकिन हमारा उपयोग, हमारी मनोवृत्ति ही नहीं बदली। जब उपयोग ही नहीं बदला तो पाप होगा कि पुण्य होगा ये बताओ आप। बोले ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, मंदिर में पूजा पाठ आदि कर, पूजा है ना अरंत आदि से प्रयोजन, तो पूजा आदि करके यदि कोई विषय की ही कामना करे तो वह तो घोर पापी है। घोर पापी, अरे साहब हम मंदिर में जाकर यदि स्त्री पुत्र आदि की कामना करें, पैसे की कामना करें, स्वास्थ्य की कामना करें तो घोर पापी। हम तो बड़े चित्त इलाज कराना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 6 महीने व्यापार बंद होगा, इतना बड़ा नुकसान। इससे तो 1,00,000 रुपया की पूजा कराने तैयार हैं, स्वस्थ रहें बस। तो 1,00,000 रुपया आप लगाओगे ठीक है, तो 6 महीने में कितने कमाओगे, और जो इलाज होने पर खर्च होना था वो कितने बचाओगे। तो भगवान से व्यापार कर लिया, व्यापारी तो कर लिया, नाम तो है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन स्वास्थ्य विषय भोगों में ही काम आने वाला है। इसलिए कहा है जो विषयों की कामना करते हैं भगवान की पूजा आदि करके भी वे घोर पाप करते हैं। घोर पाप, सब इतनी इतने अच्छे हंस का के पूजा कर रहे हैं, इतनी बढ़िया द्रव चढ़ा रहे हैं, लेकिन तेरे चित्त में व्यापार है। देखो भाई क्या कहें, हम बनिया हैं, व्यापारी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में भी व्यापार करें, इसका ये नहीं है कि हम पूजा पाठ स्वाध्याय करके भी व्यापार करें। यहाँ तो बड़ा निखालिस मनोवृत्ति लेकर शांत चित्त होकर के पांच पाप नहीं छूटे इसमें इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन छोड़ने लायक लगे ये मनोवृत्ति बदलने के लिए प्रवचन चल रहा है। ये हम जानते हैं यदि बाहुबली के पाप का उदय है तो भरत के हाथ से चक्र छूटेगा, जबकि दोनों भगवान बनने वाले हैं उसी वक्त से, क्या करें। ये हम जानते हैं कि यदि हमारे पाप का उदय होगा, सीता के पाप का उदय होगा, तो रामचंद्र जी जैसे धर्मात्मा बिना पूछे ताछे ही गेट आउट कर देंगे जंगल में। ये बात हम जानते हैं, ये नहीं हम समझना कि हम जो सास बहू के दृष्टांत या आपके बाप बेटे के दृष्टांत या भाई भाई के दृष्टांत देते हैं तो ये बात नहीं जानती। हम जानते हैं कि इतनी चर्चा होने पर भी आपकी प्रवृत्ति घर में सुधर जाए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले का पाप का उदय होगा तो तुम कई बार नहीं चाह करके भी क्रोध कर बैठते हो, कई बार तुम नहीं भी चाहते हो, कई बार तुम चाहते भी हो कि क्रोध करें लेकिन उसके पाप का उदय नहीं तो तुम नहीं कर पा रहे हो, ये तो तुम देख लेना घर जाके। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी प्रवृत्ति सुधर जाए, आपके घर की प्रवृत्ति सुधर जाए 100%। कई लोग ऐसा कहते हैं पंडित जी सब झूठी सर हिलात, इतना तो कहते हाँ जी हाँ जी, घर जाके वैसे के वैसे कच्चु फर्क नहीं पड़ा, सब प्रवचन ही सुना। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सुबह के मामले में भी मेरे प्रवचन में ये बात कहना चाहता हूँ, कई लोगों में ऐसी शिकायत हो सकती है कि आप एकदम इतनी सूक्ष्म बात कह करके मानव चरणानियों को उड़ा देते हो। ये बात आप ध्यान से रख लेना कि सदाचरण का निषेधक जैन शासन कदापि नहीं है, शुद्धाचरण का निषेधक जैन शासन कदापि नहीं है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित, कोई भी त्यागी सदाचरण, शुभाचरण या अच्छा आचरण है उसका निषेधक नहीं है। तो सब फिर इतनी खुल के बात क्यों कहते हैं कि पंच परमेष्ठी का भी लक्ष्य करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं कि शास्त्र का भी लक्ष्य करने की जरूरत नहीं है। और समझ लो आप, केवल मनोवृत्ति बदलने के लिए, या ये आपकी मनोवृत्ति में ये बात तो समझ में आ जाए कि आत्मा स्वाधीन तत्व है, शास्त्रों के भी पराधीन नहीं है। इसलिए यदि एक दिन शास्त्र नहीं मिले तो भी हम स्वाधीनता से कार्य कर सकते हैं, इतनी मनोवृत्ति हो। क्या कहते हैं, बोले उधार मांगने की बुराई नहीं है, कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप मेरे से ले लो, मेरे को जरूरत पड़ जाए तो आपसे ले लो, लेकिन मनोवृत्ति, पंडित जी बात पैसे देने की लेने की नहीं है, ये बहुत गंदी आदत है। जब देखो जब देना जरा, देना जरा, वो वृत्ति समझ आए कुछ, आपके घर में शक्कर खत्म हो जाए पड़ोसियों से ले आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनोवृत्ति देना एक चम्मच तेल, देना एक कटोरी शक्कर, देना एक कटोरी आटा, ये मनोवृत्ति समझ में आए दृष्टा, ये मनोवृत्ति बुरी। ऐसे यहां पर कहना चाह रहे हैं पराधीन है, ये तो मालूम है कर्माधीन है, उदयाधीन दशा चल रही है अभी, ये बात हमें मालूम है, और उदयाधीन और कर्माधीन दशा होने पर पंच परमेष्ठी के भी अधीन है हम, पूजा पाठ भक्ति के भी अधीन है,
प्रवचन के अधीन है। हम खुद करते हुए कह रहे हैं कि इसके अधीन मत रहना, हम पढ़ते हुए कह रहे हैं कि इसके अधीन नहीं रहना, डॉक्टर इलाज करते हुए कह रहा है कि तुम अब मत आना मेरे पास, मास्टर कह रहा है कि अब बेटा हमारे भरोसे मत रहना, देखो सहारा देकर कह रहा है कि हमारे भरोसे मत रहना। ऐसे ही ये जो सुबह के प्रवचन है या जो शाम की चर्चा चल रही है वो परम स्वाधीनता की बात करती है, वो मनोवृत्ति बदलना चाहती है। तुम अभी हमारे सामने खड़े हो, भगवान कह रहे हैं हमारे सामने खड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी ये मनोवृत्ति यदि बनी रहेगी हमारे सामने देखने से कल्याण होगा, तो इस मनोवृत्ति से तीन काल में हित नहीं होगा तुम्हारे। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें क्या गलत है, क्या गलत है निश्चय में, क्या गलत है सुधन में, क्या गलत है बता। कोई निषेध नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि हमारी मनोवृत्ति ये हो जाए स्वाधीनता की कि आत्मा अपने कार्य करने में स्वाधीन है, समाधि के टाइम में आंख नहीं होगी तो हम रोएंगे इसलिए नहीं क्योंकि हम स्वाधीन तत्व हैं। ठीक है, मजबूरी में उदयाधीन दशा में ये आंखें दिखाई देती हैं, इनके निमित्त से कार्य होता दिखाई देता है हमें थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आत्मा देह के अधीन नहीं है। मनोवृत्ति समझ में आया कुछ, सुबह के प्रवचन में भी आचरण का निषेध नहीं समझना, चारित्र का निषेध नहीं समझना, आत्मा की मग्नता का निषेध नहीं समझना, संयम का निषेध नहीं समझना, बल्कि आप, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, लिखा देना चाहिए इसके ऊपर, जिनवाणी का कोई भी वचन अज्ञान और असंयम का पोषक नहीं है, अज्ञान और असंयम का पोषक नहीं है, ये आप पहले समझ लो। अब हम जो भी कहें उसमें से अज्ञान और असंयम नहीं निकालना, आप बस फिर से सुनो भैया, एक मनोवृत्ति बदलने के लिए चर्चा है, इसके सिवाय कोई हम स्वाचरण का या यथा योग गुणस्थान प्रमाण जो आचरण है उसका मजाक उड़ाते हों, तिरस्कार करते हों, उपेक्षा करते हों, ये मत समझना। और यही बात मैं गुरुदेव श्री की भाषा में कहना चाहता हूँ, अब पढ़ो श्रावक धर्म प्रकाश, यही वाक्य, यही हृदय, यही मनोवृत्ति गुरुदेव की रही है। उन्होंने ये कहा कि हम केवल दृष्टिकोण बदलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए गुरुदेव श्री के जीवन में स्वयं पूजा करना, प्रक्षाल सीखा गुरुदेव ने जिन प्रतिमाओं का, 10 बरस तक तो दिगंबर जैन मिले ही नहीं, उसके पहले 10 साल मंदिर बनाए रहे, प्रक्षाल सीखा, पूजा पाठ किया, चारों धाम की तीर्थ यात्राएं करी, इतने साहस छपाए, प्रवचन किया, ये पुण्य क्रियाएं ही तो हैं, ये पुण्य क्रियाएं हैं। पूरे जीवन अचार नहीं खाया, स्याही में समूर्छन जीव होते हैं, स्याही से नहीं लिखा, कच्ची पेंसिल से लिखते थे, कच्ची पेंसिल से स्याही से नहीं लिखा है? ये लेटरिन करने जंगल जाते थे और क्या अपन चाहते थे बताओ। तो शोभाचरण उनके जीवन में यदि था, साधर्म वात्सल्य सिखाया, 25,000 लोगों का भोजन निःशुल्क हो रहा है, अपन अपन बुंदेलखंडी है, अपने जरा झाँक के तो देखें अपन घर में कि कोई 10 साधर्म आ जाए तो भोजन कराने में 10 बार सोचेंगे हम, वहाँ क्यों हो रही है ये बात, कहाँ से आई ये बात। ये पुण्य भाव तो था, सदाचरण ही तो था, ये इतने पंचकल्याणक की बाढ़, इतने शिविरों की बाढ़, इतने बच्चों की पाठशालाएँ खुलना, ये शुभाचरण ही तो था। इसके बावजूद भी ये कहते थे जो हम अभी कह रहे हैं, तो वो गुरुदेव खुद कहते थे अज्ञान और असंयम का पोषण मत करना भैया, हम जो बात कहते हैं वो केवल दृष्टिकोण बदलने की बात करते हैं, तो हम कभी देह के अधीन होकर ये मत सोचो कि देह के अधीन रहने से कल्याण होगा। स्वाधीनता से देखो, बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, हमारे सैनिक थे और अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, तो उनके पास क्या चीज बदली थी जिससे स्वाधीनता मिली, दृष्टिकोण ही तो बदला, हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, तुमसे वेतन पा रहे हैं, सब कुछ है, और तुम हमारे सर पे बैठे हो बॉस बन के, लेकिन स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, और ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारी गुलामी में नहीं मिलेगा हमें वो, आखिरकार तो हमें स्वाधीन होना ही पड़ेगा, तो अपनी स्वाधीनता से अपने बलबूते पर आजादी ली। सुनो, ऐसे ये आत्मा अनादि से इसके अधीन है, गुलाम है, लेकिन अंदर अंदर आत्मा को यह निर्णय तो करना ही पड़ेगा कि ये 5 इंद्री और 6ठे मन की अधीनता से सम्यक दर्शन केवल ज्ञान नहीं निकलेगा। समझ आया? ये मनोवृत्ति बदलने के लिए इतना प्रयोजन होता है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो ये बात चलती ना, एक दर्द दूसरे को कुछ नहीं करता, उसमें यही मनोवृत्ति बदलनी और कुछ नहीं करनी है। तुम यदि ये मानो कि भगवान तुम्हें मोक्ष दे देंगे तो तीन काल में संभव नहीं है, इसलिए हम कहते हैं एक दर्द दूसरे को कुछ नहीं करता। तुम सोचो कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते कोई तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब हमें कहते हैं कि एक दर्द दूसरे को कुछ नहीं करता। इसका मतलब आप अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हो, तुम खुद अपनी योग्यता बढ़ाओगे तो सम्यक ज्ञान होगा, शास्त्र के अधीनता से नहीं होगा।
और अब इसका कोई अर्थ ही निकाला, एक दूसरे को कुछ नहीं करता तो शास्त्र मत पढ़ो, बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, काय गुणा मुकार मत पढ़ो। तो एक गुरुदेव की भाषा का अभिप्राय बिल्कुल नहीं है, और जो ऐसा कहे और ऐसा अर्थ निकाले उसे अनंत पापी जानना, अनंत पापी जानना भाई। फिर कहते हैं पांच पाप छोड़ने का अभिप्राय मनोवृत्ति, ना छूटे कोई बात नहीं, एक मनोवृत्ति तो हो कम से कम, ये मेरे सुख का मार्ग नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। बोला देखो जब आपकी मनोवृत्ति बदलेगी तो आप बालकों को प्रेम से कहो बेटा रूखी रोटी खा लेना तो इसमें हमारी शान है, लेकिन हमारा अहम हमारा स्वाभिमान नहीं चला जावे। कल को लोग ये नहीं कहेंगे अरे 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 उंगली को नहीं उठा सके कोई, अभी लोग कहते थे अब तो वो खत्म ही होगी मेरे ख्याल से कहावत, पहले कहते थे लोग उंगली उठाएंगे भैया, देखो लोग नाम धरेंगे, अच्छी बात नहीं है, ऐसे काम नहीं करो, खान पान ऐसा रखो, क्यों कहते थे था? सहते थे, गम खाते थे, कष्ट सहते थे, कष्ट सहिष्णु थे। आज बच्चों में कितना एक्साइटमेंट है, इतनी उत्तेजना है, दो साल चार साल के बच्चे को जरा उसके खिलाफ कह के तो देखो आप, ये कौन सी मनोवृत्ति है, ये कौन सी संस्कृति है। जब हम एक मैं आपको सच कहता हूँ, आप मैंने तो थोड़ी साइकोलॉजी देखी इसलिए स्पष्ट कहता हूँ, आप लोग भी अनुभव तो करते हो लेकिन हो सकता है इन शब्दों में विचार नहीं कर पाते होंगे कई लोग, लेकिन आप जब मैं कहूँगा तो आप मानेंगे इस बात को। जब आप दो साल का बालक आपके अधीन रहता है अभी, जिसको किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, उसने कुछ नहीं जानी दुनिया की चीज़, और जब आप उसको उसकी कोई बात कहते हो और उत्तेजना से जवाब दे देता है, या आपको चांटे मारने की चेष्टा करता है, या भागने की चेष्टा करता है, या वस्तु फेंकने की चेष्टा करता है, तो ये दो साल का बालक आपका अनुकरण नहीं करता। तो जो 20 साल की बेटी आई है आपके घर में, वो दो साल से 20 साल तक में कितनी उत्तेजना का विकास हुआ होगा, अब हम कैसे कल्पना कर लें कि वो गो जैसी होगी, हमारा भाई गो जैसा होगा, हमारा नौकर बिल्कुल गाय जैसा बिल्कुल होगा, ऐसे कैसे कल्पना कर सकते हैं। अब यदि हमें ये मनोवृत्ति मालूम है तो अब हमें भी सहनशील होना होगा, हमें भी तो शांत होना पड़ेगा, हमें भी तो संयम धारण करना पड़ेगा, अब अपने बच्चों से विकास शुरू करना पड़ेगा हमें सही। और जब आपके घर की संपूर्ण संस्कृति अच्छी हो, अब नया मेंबर आएगा तो वो आपका अनुकरण करेगा, करेगा अवश्य करेगा। मेहनत लग सकती है, टाइम लग सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ मनोवृत्ति बदलने के लिए कल का और आज का प्रवचन है और सुबह का भी, हम ये नहीं कह रहे आज परिणति बदल जाए, परिणति बदलने में टाइम लग सकता है, एक दिन में नहीं बदला करती परिणति, ये बात ध्यान रखना, एक दिन में संस्कार नहीं बदला करती, एक दिन में आपकी सुख शांति नहीं आ जाएगी। इसके बावजूद अभी हम मनोवृत्ति बदलें, हमारा निर्णय पक्का करें कि हमारे जीवन में पांच पाप होंगे तो किसी भी कीमत पर शांति से मरण नहीं होगा, ये मनोवृत्ति तो करो पक्का करो। अरे प्रभु, एक बहुत अच्छी लाइन आती है, मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, पांच पाप करने वालों की ये दशा है, मिर्च भरा तांबूल, तांबूल माने पान, तांबूल मिर्च, पान मिर्ची रखी लाल मिर्च उसमें, अब मुंह में रखा है, अब थूक सके नहीं और निकल सके नहीं, और चारों तरफ से घेरे हैं फोटोग्राफर सब संवाददाता, अब क्या करें, ऊपर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर में पीड़ित है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, देखो आप सब भी कहीं ना कहीं मुक्त भोगी होगे, छोटा सा ही पाप होता है तो अंदर में कैसी कैसी धारा चलती है, छोटा सा ही पाप, रेलगाड़ी फ्री टिकट चले आओ एक दिन, आप क्या दशा होती है, जरा दो के चार या कुछ गलत कर लो आप, ठगने का भाव आते से कैसी धारा हो जाती है, ब्लड प्रेशर कैसा होता है एक ठगने के परिणाम से, ठीक है। लेकिन आज हम बड़े उससे कहते हैं देखो लालू प्रसाद, देखो नरसिंह महाराव कितना पैसा, और देखो अर्जुन सिंह और ये कितना पैसा, सुनो तुम उनकी मुस्कुराहट जो टीवी पे देखते हो ना, ये मिर्च भरी तांबूल चबाते हुए मुस्कुराने जैसी बात है, तुम कल्पना नहीं कर सकते अंदर इनकी कितनी बेचैनी, कितनी तड़पड़ाहट, कितनी मैंने आप क्या कहें, क्या है बताओ। आज अपन सड़क पे निकल जाए तो कम से कम कोई आदमी अपने कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है, वो चाहे तांगा दौड़ाता हो, शराब पीता हो, सिगरेट बीड़ी पीता हो, और उसे मालूम पड़ा ए, लालू प्रसाद, और गाली देकर के बोला ये अरे रे, अरे दो कोड़ी का आदमी तुम्हारे नाम पे लांछन लगा दे तो तुम्हारे कौन सा पुण्य का होता है कि तुम मुख्यमंत्री बनो कि प्रधानमंत्री बनो। ये दृष्टांत उनके लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम मैं इसलिए कहता हूँ, अभी अपने में ऐसे कई लोग बैठे होंगे कि अरे साहब कलेक्टर साहब 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, और 10,000
और भी इंजीनियर साहब तो 1,00,000, ऐसा लगता है मेरा लड़का भी इंजीनियर बने, मैं भी बनूं और फिर मैं भी। लेकिन तुम्हें मालूम है वो कितने पीड़ित हैं, उनकी मनोवृत्ति कितनी दुखी है अंदर से, पता है तुम्हें? बोला भाई, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, इस देह को चलना होगा तो रोटी जरूर मिलेगी, कितनी मिलेगी ये आयु प्रमाण लिखा के चले हैं, नई व्यवस्था नहीं कर रहे हम, कितना घी मिलेगा, कितनी रोटी मिलेगी, कितनी सब्जी मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये हम 8 कर्म की उदय की व्यवस्था लिखा के चले हैं। इसलिए उसके लिए पाप मत करो, पाप मत करो, नहीं तो भविष्य में तुम्हें रोटी तो रोटी, शुद्ध जल पीने के लिए तरसोगे। ये छल कपट का फल ये सुअर है, देखो रोटी का टुकड़ा मिलना तो दुर्लभ है, क्या चबाते हैं इनकी देखो शकल जाके, क्या पीते हैं इनकी शकल देखो, ये कुत्ते के पिल्ले, क्या इनकी दशा आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ बिल्कुल। अभी फिर सुनना, तुम सोचते हो हम इस भाव के लिए पाप कर रहे हैं, नहीं नहीं, इस भाव के लिए तो आपकी व्यवस्था लिखी हुई है। आज मनोवृत्ति की बात चल रही है, हमें क्या लगता है पंडित जी यदि आपके अनुसार चलें तो हम फुटपाथ पे आ जाएं, पंडित जी आपके अनुसार यदि चलन लगे तो हो गई हमारी नौकरी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं आपको झूठ नहीं कहता हूँ, 15 वर्ष हमने भी तो नौकरी की है, 1 पैसे की रिश्वत देना काम नहीं पड़ा, बचपन से मनोवृत्ति थी तो पुण्य भी उतना बंधा। क्या कह रहे हैं, छल कपट की भावना होगी कि मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे लूंगा रिश्वत, ऐसे दूंगा, तो तुम्हें उदय भी वैसी आएंगे, वैसे लोग मिलेंगे, हम भी उन्हीं लोगों के बीच में रहे। सच कहते हैं आपको, गादी में बैठ के 15 साल में हमें 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, ना नौकरी लगाने के लिए, 2-2 नौकरी मिली, सब किया, सारा काम हो गया, 10 साल तक एक ही कॉलेज में रहे, एक ही कॉलेज, जिस दिन मैंने जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था तो कमिश्नर ये बोला कि सुमत बेटा तुम भोपाल के कॉलेज में ज्वाइन मत करो, किसी गांव में चले जाओ यदि तुम्हें सुरक्षित रहना हो तो, क्योंकि यहाँ यहीं पर मुख्यमंत्री का निवास है, यहीं शिक्षा मंत्री हैं, यहीं पूरी वो रहते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा राजनीति होती है, और सारे मध्य प्रदेश के लोग इस कॉलेज में आना चाहते हैं इधर भोपाल, और तुम सीधे साथ हो तो तुम्हें कोई भी निकाल देगा यहाँ से, और वो पैसे से साम दाम दंड भेद राजनीति करके वो अपना चुनाव मैंने वो क्या ट्रांसफर यहाँ कराएंगे और तुम परेशान होगे। तो मैंने भी 11 दिन ज्वाइन नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा जब हुए नहीं कहीं मैंने चलो यहीं रहे, आपको विश्वास नहीं होगा 10 वर्ष तक किसी की हिम्मत या कोई बहुत ट्रांसफर हुए आए गए, लेकिन हमारा पुण्य हो ऐसा लगा एक ही जगह बने रहे, बोलो 10 साल हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। भाई हमारे पास ईमानदारी हो, निष्ठा हो, पढ़ाने की कला हो, सब बातें अच्छी होंगी तो कोई क्यों चाहेगा बताओ? कोई ट्यूशन नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करने हैं, कोई नंबर दो के काम नहीं करना, कोई राजनीति नहीं करनी, 10 साल में यदि 10 बार भी प्रिंसिपल के चैम्बर में गए हों तो बहुत बड़ी बात है, टाइम से आए टाइम से गए, कोई मतलब नहीं उनकी राजनीति से, दुनियादारी से, सीधे आए सीधे क्या। अब बोलो तो तुम ये मनोवृत्ति के लिए इतना दृष्टांत दिया, कोई आत्मप्रशंसा के लिए नहीं, एक बार आपकी मनोवृत्ति साफ हो तो देखना आपको कदम कदम पर अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं है, लेकिन हमारी शुरू से ये मनोवृत्ति है कि हम ऐसे रिश्वत दे के काम कर लेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसे रिश्वत खींचेंगे, फिर जब तुम्हारा 24 घंटे मनोवृत्ति में पाप बन रहा है तो उदय जरूर आएगा आपको। हम फिर कहते हैं, आप हम रूखी रोटी में विश्वास रखे हैं और ये हमारी चरम सीमा है, समझ लीजिए इससे ज़्यादा तो नहीं होगी कुछ। सही बात बताएं, जिनेन्द्र भक्तों को ऐसा पाप का उदय हमने तो अभी तक नहीं देखा, होता ही नहीं है। पाप की जड़ है तृष्णा, अनावश्यक सोच, अनावश्यक भौतिक बात के चकाचौंध, तब तो फिर तुम साक्षात प्रधानमंत्री बन जाओगे तो भी तुम्हारी तृष्णा पूरी नहीं होगी, ख्याल में भैया? मनोवृत्ति बदलना, आज जितने बच्चे सब बैठे हो बेटा, कभी जीवन में बिना टिकट चलना पड़े होगा भी, ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें, अरे अरे कॉलेज लाइफ में मजा करो, नहीं, हमारी ये संस्कृति है जैन संस्कृति महावीर भगवान की, हम 1 पैसा चोरी नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। अब सब स्तर पर समझ लेना, अरे रे इतनी करुणा से भाषा लिखी है, अरे कभी इतनी करुणा, जैसे कोई माता दुलारती हो ना, ऐसे कोई आचार्य ऐसे प्रेम से पुचकारते हो, अरे कभी तू हिंसा करे असत ओचरे के पर धन हरे छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी।
माने एक माता दुलार भी रही है और आखिरी में डांट के गाली भी दे रही है। क्यों बांधे पोट परी ग्रह पापाचारी, एक तरफ ऐसा कहती है तुम अतुल चतुष्टयबान कहो भगवान कियो नहीं ज्ञान हुआ नहीं धरना, एक तरफ ये कह रहे हैं तुम अतुल चतुष्टयबान तुम इतने सुंदर हो है समय सार में साख, क्रेडिट क्या गुडविल विश्वास दे रहे हैं, है समय सार में साख तू निश्चय राख कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो सट मां से उदासी, अब तो उदास हो जा, अरे रे रे ध्यान रखना भैया तुम अच्छी तरह से निर्णय करो, भले ही तुम्हारा मन अभी नहीं माने और भले ही तुम्हें अभी भी ऐसा लगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम मना नहीं करते हैं लेकिन निर्णय मनोवृत्ति में ये बदल जानी चाहिए कि यहाँ सुख होगा होगा होगा। अरे जब तीर्थंकर स्त्री पुत्र आदि से सुखी नहीं हुए तो तुम क्या कर लोगे, और इतने सारे हैं ना सभी 30 मार खाते शादी के पहले सबका पानी उतर गया, अपने ऐसा लगता है अरे पंडित जी बताओ मैं टैकल करूंगा, मैं बड़े भैया तो ऐसे चलाते हो फला तो पिताजी तो मैं, अरे क्या तू मैं करता है, अनंत पापों के उदय के बीच में तेरी मैं नहीं चलेगी, ख्याल मेरा कुछ, इसलिए ज्यादा अपने को आकाश में उड़ने की जरूरत नहीं भैया, बीतरा की संतों का मिलना बार बार होता नहीं है, है ना। एक बात तो एक कही अभी पात्रता में आज का अंतिम पॉइंट लेते हैं, एक बताया था हालांकि थोड़ा सा आपको, पुत्र पोत्रों में सत्संस्कार डाले जाएं, ये चर्चा एक दिन की थी अपन ने, शॉर्ट में याद दिला दें, आप बीमार पड़ो तो बच्चों को पास बिठाना सीखो, आप घर में रोज बच्चों को, पहले के जमाने में लाइट तो थी नहीं, 4 बजे व्यापार बंद हो जाती थी, 5 बजे भोजन करके लोग सामायिक करती थी और फिर बच्चे बैठ जाते थे, ताप रहे हैं तो 2-3 घंटा फ्री बिल्कुल, ताप रहे हैं सब बच्चा बैठ गए, कोई स्तुति हो रही है कोई भक्ति हो रही है, लोग पद्म पुराण की कहानी सुना रहे हैं, पिताजी दादाजी नानी का, नानी के घर गए तो नानी ने गोद में बिठा लिया, हाँ ताप रहे कहानी सुनाया जा रहा है सीता जी की, तो बच्चों की मनोवृत्ति बदलती थी, संस्कार बदलते थे, मैंने क्या कहें घर की इतने अच्छे मन वातावरण नष्ट हो गया समझ लो, अब तो ना वे गोद रही ना वे ताप पे रही ना वे पाठ रहे ना वे स्तुति रही, नहीं बच्चों को क्या पाठशाला जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले पाठशाला नहीं होती थी लेकिन जी पाठशाला अच्छी थी, जरा बच्चियां काम कर रही ये बेटा मर्जी मर्जी अरे पाप लगे बेटा, संस्कार ऐसे संस्कार हो जाते थे, पानी की बिलछानी करवा रहे थे एक बूंद गिरी एक चांटा पड़ा, अरे एक बूंद बिलछानी ढुल गई से एक चांटा, बेटा यहाँ तो एक ही चांटा पड़ा है लेकिन एक चांटे में अब भविष्य में कभी नहीं ढुलेगी तो तुम नरक निगोह से बचोगे बेटा, और नहीं तो हमेशा तुम लापरवाही करोगे तो कितने जीव मारती पूरी जीवन में, एक चांटा में समझ में आ गई कि मम्मी जब एक चांटा मार सकती पानी की एक बूंद ढुलने पर अनछने की, अरे रे अरे माता का बहुत करुणा है हमारे ऊपर जिसने बता दिया कि अब जीवन में कभी बिलछानी ढुले नहीं, असंख्य जीवों की रक्षा करेंगे हम, पता नहीं ऐसे पुण्यात्मा जीव नरक में चले जाएंगे, तो ये पाठशाला थी चलती फिरती घर में पाठशाला थी ऑटोमेटिक, हम फिर कहते हैं इच्छा तो यही होती कि वही संस्कृति फिर आए, बच्चों को लेके बैठो उन्हें कहानियाँ सिखाओ रोजाना के अपने अनुभव दो उन बच्चों को, बेटा आज देखो फला की ऐसी ऐसी तकलीफ हुई जेल जाना पड़ा, देखो अपने को ऐसे काम नहीं करना, खैर एक इस संस्कार देने में एक तो ये बताया, दूसरा जब बीमार हो जाओ बच्चों को बुलाओ पाठ सुनो सीखो हैं, और कभी बच्चे बीमार हो तो आप उन्हें सुनो, दूसरा पाठशाला चलती है बच्चों को पाठशाला में अवश्य भेजो, पाठशाला हालांकि चलती है लेकिन क्या कहूँ जैसे एक माँ अपने बालक को पालती है ना उससे भी अनंत गुनी करुणा चाहिए पढ़ाने वालों को, बच्चा नहीं आया अरे मानो एक सीधे नरक में जा रहा हो इतनी तकलीफ हो गए, एक बच्चा टूट नहीं जाए हमारे व्यवहार से डांटने से ललकारने से चिल्लाने से, बेटा अब ना देखो सब बच्चों की बुद्धि एक सी नहीं है, बेटा तुम तो आया करो प्रेम से 10 दिनों नौकार मंत्र याद हो गया बहुत है, कई बार होता क्या है बस चिल्ला चोट शुरू कर दी, अब वो बच्चा देखो बच्चे कमजोर होते हैं, आज मेरे पास एक बालक आया कम से कम मैंने उसे 1.5 घंटा तक नौकार मंत्र सिखाया उसको 3री कक्षा का बालक, लेकिन
एक डेढ़ घंटा सिखाने के बाद भी वो भूल भूल जाएगा, जबकि उसने कच्चा पक्का तो याद कर रखा है। उसने नमो आयरियाणम और नमो अध्यायणम याद नहीं करी, बाकी तीन तो कर रखी। तो नमो आयरियाणम और नमो अध्यायणम याद कराने में मैंने डेढ़ घंटे लग रहे हो, एक डेढ़ घंटे खूब रटवाया उससे, 50 बार बोल नमो अरिहंतणम नमो अरिहंतण ए नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियम, और आखिरकार ऐसे अध्यायणम बुलवाया फिर भी भूल गया। अब अंदर ही अंदर लगा देखो बालक की योग्यता बेचारा क्या करे, मेहनत कर रहा है हमारे सामने बैठ के, हम भी मेहनत करा रहे हैं, करे क्या बेचारा। हमने कोई बात नहीं बेटा, अब घर जाकर मम्मी से कहना ना पंडित जी ने कही थी याद कराओ। वो कहना पंडित जी हम पाठशाला आएंगे, चलो अच्छा पाठशाला आना, क्या करें। इसका मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर बच्चा हमारी पाठशाला स्टूडेंट है, जितनी इनाम बांटना पड़े बांटो। और मैं फिर वही कहता हूँ, जैसे मैं प्रवचन करता हूँ ना प्रैक्टिकल, ऐसे बच्चों को बच्चों की भाषा में पढ़ाओ पाठशाला, उनके दैनंदिन जीवन के दृष्टांत दे दे के, बेटा 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 देखो मैं क्या बताऊँ। हृदय तो ऐसा करता है, जब हमने भी पाठशाला पढ़ाई थी ऐसी पढ़ाई, इसलिए कहता हूँ आपको कभी ये नहीं लगे कि औरों के बच्चे हैं, पढ़े तो पढ़ लें नहीं पढ़े तो हम क्या करें, ऐसा नहीं। ये सारे बच्चे हमारे हैं, ये सब भविष्य के सिद्ध हैं, और हम क्या बताएं। ये जो मंदिर की नींव है ना, ये तुम्हारी खंभों पर नहीं टिकी है, इन बच्चों पर टिकी है, ये संस्कृति इन्हें देना ही है। हमें प्यार से पुचकार पुचकार, बेटा गाली तो नहीं दोगे, अब हम जानते हैं आज हमने उसको क्या क्या दिया है। पंडित जी हम कब गाली नहीं दें, बहुत अच्छा है, बड़े हो जाए तो आखिर हमारे बब्बा तो खूब दिए थे हैं। मैंने तुम्हारे बब्बा कैसे हैं, पंडित जी भी तो बहुत ही बीमार रहे थे, देखो गाली दे तो बीमार रहे थे अब तुम गाली नहीं देने, गाली देने वाले शुगर बन जाती, पिल्ला बन जाती, बच्चों बच्चे की भाषा। और आज का संस्कार अमिट है, वो खेलते कूदते सीख लिया उसने, बेटा बड़े होकर सिगरेट नहीं पीने, अपने कौन कौन पिया तुम आए थे, देख बेटा अपन नहीं पिए, पंडित जी हमने पियेंगे। अब बच्चा छोटा है ना, यदि अपन ने उसे प्यार से पुचकार के थोड़ी इनाम दे के इतना सा भी संस्कार दे दिया, अमिट पाठशाला पढ़ाने वालों की इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं समझ लो, इतनी पाठशाला पढ़ाने। और मैं प्रशंसा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी पाठशाला में खूब भीड़ रही, बच्चों कमी नहीं रही, कभी खूब खर्चा करो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो और कम पढ़ते हो तो भैया 5-5 रुपये महीना सब जितने लोग हैं सब दे और बांटो, आज इस रविवार हमारी तरफ से इनाम बांट दो, क्या फर्क पड़ता है। मनियारी दुकान में जाने कितनी लीड फिर जाती होंगी, 50 लीड भिजवा दी, ले भैया जरा रविवार 50 लीड हमारी तरफ से, 50 अमरूद बांट दो, 50 सेवफल बांट दो, क्या है। हमें तो बच्चों को देख के बड़ी अच्छा लगता है, सही बिना बुलाए आज कोई बच्चों का निमंत्रण नहीं था फिर भी आए काम करने रहे, फिर बोले पंडित जी हम जाएं, तुम समझ गए नहीं तुम जाओ बेटा पहले फल लो, अब सबको फल मिल गया तो बच्चों की संस्कृति जगती है। ये संस्कार आप घरों में भी दो, बहुत सरल है, कठिन नहीं है कुछ भी, आप सच कहता हूँ। देखो आप जैसे जैसे आप 5 जनों की फैमिली है, उसमें रोज झगड़ा होता है, आपको सही बताते हैं, हम लोग भी कम से कम 10-15 ब्रह्मचारी भाई हैं, और परदेश में जाते हैं तो सब मिलजाल के रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, सब काम करते हैं, सब तरह की मतलब वक्त पड़ जाए बीमार हो जाए सेवा करते हैं, वक्त पड़ जाए एक दूसरे के लिए पैसा खर्च करना पड़े सब, और इतने प्रेम से रहते हैं। अब हम कहते हैं जब आप एक घर के मेंबर और सारे जीवन एक संग रहना, प्रेम से क्यों नहीं रह सकते। हम भी तो एक राजस्थान का है, एक यूपी का है, एक इधर के, सब अलग अलग हैं, लेकिन 70 के दिन भी आते हैं, इसके बावजूद प्रेम कैसे रह सकता है। देखो बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पैसे तो देते ही हो, ऐसे मत दो, एक अच्छा ही दे के पैसा दो, बेटा 25 पैसे मिलेंगे, देखो आज तुमने गलती कर दी, आज पैसे नहीं मिलेंगे, आज तुमने गाली दी थी हमने सुन ली, अब नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। देखो बेटा यदि तुम पाठशाला जाओगे इतनी चीज़ सुना दोगे, आज ये चीज़ सुना दोगे, हम तुम्हें कपड़े सिलवाएंगे नहीं, अब कपड़े तो सिलवा नहीं है, एक अच्छा काम करा के सिला दो। देखो बेटा जी गंदी आदत छोड़ दी तो पक्की रही तुम्हारी साइकिल, अब साइकिल तो देना ही है, पहले उसे एक अच्छा काम तो करा लो कम से कम। लेकिन सच्ची बात यह है कि मंदिर में बात फिर भी सरल लग रही होगी, यदि मैं यही बात घर आके कहूँगा तो आप सुनोगे थोड़ी मेरी, वहाँ तो ये कहोगे पंडित जी ऐसे मोड़ा तो लल्लू हो जाए पूरे के पूरे वे गाली दे वो सीखें, लड़ाई झगड़ा सीखें, 2-4 जमा दें, गली में जाएं और 2-4 कोई में भी टिका दें, मोड़ा तेज है गली में कोई दबा नहीं सकत, अब हमारे घर पर कभी आँच नहीं आ सकती,
आँच नहीं आएगी कि तुम्हें इतने बुरे दिन आएंगे जिसकी ठिकान नहीं पड़ेगा तुम्हें। जिस दिन बच्चा एक आध दिन चाकू चला देगा या गलत काम कर देगा उस दिन पुलिस दौड़ेगी तुम्हारे घर में, पूरे घर की इज्जत नीलाम होगी उस दिन, तुम्हें पता है। जिस दिन लड़का तुम्हारा गंदी फिल्म देखते पाया जाएगा, जिस दिन लड़का जुआ खेलता पाया जाएगा, जिस दिन लड़का चरस खाता पाया जाएगा उस दिन तुम्हारी क्या हालत होगी। अभी लगता है मैं बच्चा गाली देता है, दो चार टिकाया आता है हर एक को, और दवा दबता नहीं किसी से, अभी लग रही तुम्हें दादागिरी। लेकिन दादागिरी का अंत होता ही है बुरा। कोई माई का लाल नहीं है जिसका दुखद अंत ना होता हो। ये आप अखबार पढ़ लो उठा के, रोज देख लो, और यही तुम पिक्चर भी देखते हो तो पिक्चर का अंत देख लो, बुरा ही है ना, समझ लेना अच्छी तरह। मैंने कभी ये मत सोचो कि अन्याय अनैतिकता से। ओम नमः शिवाय। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊ, देहांत के समय में तुम्हें को न भूल जाऊ। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाम। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, बोषावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न बांछा मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्र का हो पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाए जीवन। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय